बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर के साथ करेंगे। पन्ना से एक खबर, जहां पर बस स्टैंड के पास युवक की बुरी तरह से पिटाई की गई है। कुछ लोगों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की है। युवक को बाइक पर जबरन बैठा कर ले जा रहे थे। 13 मार्च की घटना ये बताई जा रही है। अजयगढ़ थाने में युवक ने शिकायत दर्ज कराई है। तस्वीरें देखिए आप, कितनी बर्बर तरीके से इस युवक की पिटाई की जाती है। कारण क्या है स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन इस तरीके से बेरहमी से इस युवक को पीटा जाता है। उससे भी ज्यादा अब जो वीडियोस में देखा जाता है, खौफनाक तस्वीर ये है कि वहां खड़े हर एक शख्स को ये तमाशा दिखाई देता है। तमाशबीन बनकर ये सभी देखते हैं, लेकिन कोई भी इन्हें रोकने की कोशिश नहीं करता है। बच्चे, बुजुर्ग, युवा सब इस भीड़ में शामिल हैं, लेकिन वहां देखकर तमाशा देखना सबको अच्छा लग रहा है। कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। कारण क्या है किसी को नहीं पता कि इस युवक की क्यों पिटाई की जा रही है। युवक को बाइक पर जबरन बैठा कर ले जा रहे थे। 13 मार्च की घटना बताई जा रही है। अजयगढ़ थाने में युवक ने शिकायत दर्ज कराई है। गणेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। गणेश, क्या कारण था जो इतनी बुरी तरीके से पीटा जा रहा है? पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? और हैरान कर देने वाली बात कि वीडियो बनाना आसान लगा लोगों को, लेकिन वहां खड़े रहकर सिर्फ तमाशा देखना ही इन्हें एक आखिरी उपाय दिखा। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, यह पूरा मामला जो है अजयगढ़ थाना क्षेत्र का और अजयगढ़ कस्बे के बस स्टैंड का यह पूरा मामला है, जहां पर कुछ जो है असामाजिक तत्वों के द्वारा खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है और युवक की जमकर पिटाई की जा रही है। इतना ही नहीं, युवक को जो है जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया जा रहा है। इससे साफ समझा जाता है कि पन्ना जिले में किस प्रकार से कानून व्यवस्था ध्वस्त है और लोगों को जो है कानून की बिल्कुल खौफ नहीं है, ना कानून का बिल्कुल डर है। जिस प्रकार से इस युवक के साथ मारपीट कर खुलेआम इसको जो है वहाँ पर जो वहाँ से उठा करके ले जाया जा रहा था, तो इसमें स्पष्ट समझा जा रहा है, जा सकता है कि जिस प्रकार से कानून का डर नहीं है लोगों को, खुलेआम लोग इस प्रकार से मारपीट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस ऐसे मारपीट इस युवक के साथ की जा रही है। देखिए, जो युवक है, युवक ने अभी जो शिकायत की है उसका कहना ये है कि मैं जो है पन्ना में पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाई करने के बाद जो पन्ना अजयगढ़ गया था उसके बाद स्टैंड में रोक करके उसके साथ मारपीट की गई है। लेकिन जो अभी स्पष्ट कारण सामने निकल कर नहीं आया है। अभी पुलिस इस पूरे विषय पर जो है जाँच कर रही है और जाँच उपरांत भी पूरा मामला जो है सामने निकल कर आएगा कि आखिर वजह क्या थी। लेकिन वजह कुछ भी हो, लेकिन इस प्रकार से जो है खुलेआम मारपीट करना कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर खिलवाड़ करना साबित हो रहा है। जी, चलिए आप नजर बनाए रखिए, अपडेट होता है आपके पास आते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अजयगढ़ थाने में युवक ने शिकायत दर्ज कराई है। हैरान कर देने वाला मामला है। यहाँ पन्ना से बस स्टैंड के पास युवक की बुरी तरह से पिटाई की जाती है, लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा यही है, जब भी ऐसी घटना सामने आती है वहां खड़े लोगों को वीडियो बनाना आसान लगता है, बजाय इसके कि उन शख्स को रोका जाए जो इस तरीके से मारपीट कर रहे हैं। कई बार ऐसी वीडियो सामने आई हैं और सवाल यही खड़ा हुआ है कि तमाशबीन बनकर तमाशा देखते रहना क्या ज्यादा आसान है इसके कि उनको रोका जाए जो मारपीट कर रहे हैं।